बचपन के दिन देखो क्या मजा आ रहा है बच्चे का इस टाइम। मम्मी ने पकड़ रखा, पापा बाइक चला रहे हैं इसके। बज रहे हैं सुबह के 12:30, क्योंकि मेरा 2 बजे का मैटर लगा। मैं वीडियो में देख ही चुका हूँ पहले मेरी, तो अभी हम निकल रहे हैं 30 तारीख कोर्ट। मैटर लगा 292 नंबर कोर्ट के अंदर, वो भी आप पहले देख चुके हो उसके अंदर। हम निकलते हैं और आपको वहाँ जाके मिलते हैं। बारिश अभी रुक रखी है दिल्ली के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि भाई जब तक मैं आऊँ लौट के तब तो बारिश ना हो। 3-4 तक आऊँगा मैं, तब तक बारिश ना, भगवान प्लीज़ बारिश ना आए, क्योंकि बारिश से बड़ी परेशानी होती है, जाम वाम लग जाता है, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसी चक्कर में सोच रहा हूँ भाई बारिश ना आए। बाकी 3 तारीख जाएंगे, रास्ते में जाम तो वहीं मिलेगा 3 तारीख के बाद जाके, और अब रास्ते में और का जाम तो मिलेगा नहीं माइट भी। तो यहाँ से निकलते हैं और आपको वहाँ चल के मिलते हैं। तो पार्किंग मोर गेट में लगा लगे, बाहर मेन रोड पे लगाता नहीं मैं, क्योंकि मेन रोड पे क्या होता है कि पहले लोग लगा तो देते हैं, मतलब वो होते तो हैं एमसीडी के पार्किंग वाले, बड़ा सिंह गेट वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है यार, कोई गाड़ी वाड़ी भीड़ भाड़ दे तो मेरे को रिस्क लेना नहीं है उसके अंदर भी, गाड़ी के अंदर इतने बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो उस चक्कर में मैंने कहा भाई रिस्क लेना, अंदर अंदर खड़ी कर देंगे मोर गेट में, वैसे भी वहाँ भी इतने पैसे लगते हैं, बाहर भी इतने पैसे लगते हैं, तो थोड़ा अंदर ही खड़ी कर लो। अंदर क्या एमसीडी पार्किंग है पूरी मोर गेट की, एडवोकेट्स के लिए ओनली फॉर एडवोकेट्स, तो उसमें खड़ी करके होता है कि भाई आप टेंशन फ्री होते एक तरह से, तो वो वाली बात है। बाकी बस अब यहाँ से निकलते हैं, मैटर देखते हैं, FIR 2 जरूरी, उसके अंदर 2 बजे मैटर लगेगा। पुलिस वाले ने बताया था मेरे को कल फोन, कल सैटरडे को फोन आया था उनका कि सर मैटर आपको मंडे को लग रहा है, तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके। ओ बहन तेरी, ऑटो वाले भाई देखते नहीं है, देखो ऑटो वाला ये जा रहा है भाई मेरे पीछे, ऑटो वाला भाई बिना देखे चला रहा है, बिना देखे घुसेड़ रहा है, अभी गाड़ी में घुसेड़ता अगर मैं ध्यान नहीं देता तो बंदा क्या बताया यार। ऑटो वाला का तो अलग ही हद करता है, देखो जा रहा है पूरा ऐसे घुमाते हैं। और एक तो 3 टायर भी होता है ना भाई, इनका भरोसा भी नहीं है कब पलट जाए ये ऑटो वाले, 3 टायर का ही बैलेंस बनता नहीं है, एकदम से लाके घुमा दी गाड़ी के चला के भाई, मैंने कहा भाई पलट पलट जाएगा, शीशे टूट जाएगा, तेरा कुछ नहीं जाना, मेरा 8-9 हज़ार खर्चा हो जाएगा तेरे चक्कर में बेवकूफ बच्चे। तो वो बात है, बस क्या करें यार ऐसे ये दुनियादारी। अब निकलते हैं यहाँ से, लेट हो रहा है भाई, AC में चला भी मैंने, क्योंकि अगर मैं AC चलाऊँगा तो AC वजह इसमें अंदर आएगी मोबाइल के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। वहीं जाके मिलते हैं आपको, बाकी बीच में आपको थोड़ा बहुत रोड के व्यू दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत बस वाले मिलेंगे जो कि कहेंगे कि भाई हम लाइन में चल रहे हैं, क्या आप चल रहे हैं, तो वो झूठ भी पकड़ा जाएगा उनका कि वो नहीं चलते कभी भी लाइन में। तो वही दिखाऊंगा बस मैं आपको रोड पे, और क्या दिखाऊंगा, बाकी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे अपन, ठीक है जी। बस बन के दिन देखो क्या मज़ा आ रहा है बच्चे का इस टाइम। मम्मी ने पकड़ रखा, पापा बाइक चला रहे हैं इसके, जो भी है मतलब मम्मी पापा तो होंगे या जो भी एक्सरसाइज है, इन बच्चे के कितने मज़े आ रहे होंगे ये सोचो आप, आराम से सारी दुनिया को देख के चल रहा है। हाँ भाई बिना टेंशन फ्री जीवन, मस्त आराम से मजे दे रहा है, मजे ले रहा है आराम से, है ना। ये आगे अपन जंगपुरा के कट के अंदर, जंगपुरा कट मतलब जंगपुरा यहाँ पे अंदर उसके जंगपुरा है, ये संचार भवन है, यहाँ पर ये रहा संचार भवन, और ये रोड अपना सीधे चल रहा है पूरा, हवाई जहाज बना ले इसको, 50 की स्पीड है, 50 पे मैं चल रहा हूँ, फिर भी भाई कौन मजाना है। ये CGO कॉम्प्लेक्स का कट आ गया भाई, इंदर सारा CGO कॉम्प्लेक्स, CBI बिल्डिंग बिल्डिंग है सारी है यहाँ पर, रोड का शमशान घाट, ये देखो यहाँ लगा अब जाम, ये सारा जाम लगा हुआ है। हाँ भगवान भला करे, ये सामने ओल्ड फोर्ट है और ये सामने जू की एंट्री है, दिल्ली जू की, ये सारी उसकी पार्किंग है यहाँ पर, ये देखा, और ये सारा जाम लगाएगा भाई यहाँ पर, सारा जाम लगाओ देखना, अभी पता नहीं क्यों जाम लगता, समझ नहीं आती मुझे यार, सारा जाम लगाओ आगे तक रहा था भाई, वही हो रहा है, बारिश हो रही है अभी मस्त अपने यहाँ पर, पूरी बारिश हो रही है देखो भाई, ठीक है ना, आप सारे कोट भीग जाए ना अपना, कोई दिक्कत नहीं, अब छतरी लेके वैसे नहीं आया मैं, अम्ब्रेला लिया था मैं, सोच रहा ले आऊँगा अम्ब्रेला, यहाँ पे जामन मिल गया, अभी बज रहे 12:57, 2 बजे मैटर लगा मेरा, 12:15 का निकल रखा हूँ मैं, और अब बस क्या करें भैया, ठीक है भैया, कि अब जाम मिल रहा था, मिल रहा है जाम, जब भी आप जल्दी होगी ना जरूर आपको जाम मिलता है, सारा जाम ही जाम हो रखा अंदर आके देखो भाई। ये है अपना IHBTL रोड, अपनी गाड़ी चल रही है 65 पे अराउंड, मस्त रोड है देखो,
लोग बिना देखे निकल के आते हैं। देखो जहाँ वहाँ से उतर रहा है राजघाट से, और ये नहीं थोड़ा साइड में चलना चाहिए, लेकिन भाई भाई सीधा घुसड़ दिया उन्होंने। यही तो होता है पागलों का, कुछ नहीं कर सकते आप। भैया वेलकम टू 30,000। यही हालत रहती है यहाँ पे हमेशा हमेशा, यही हालत रहती है भाई हमेशा, चाहे कभी भी आ जाओ रात दिन। सर रात को 10 बजे के बाद ये रोड खाली मिलता है आपको, और सर जितना एरिया 30,000 का है ना सर, उतने में जाम होता है, उसके आगे बिल्कुल खाली मिलता है आपको। 30,000 क्रॉस करते आपको पूरा खाली मिलेगा, पूरा खाली। किसी दिन जाऊँगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा भाई। सिर्फ 30,000 का जितना एरिया है उसी के अंदर पूरा जाम ठसके होता है पूरा ये। और भाई साहब ने हटाया भी नहीं है, बात तो सारी है। अब ये देखो हटाया भी नहीं भाई साहब ने, ये प्राइवेट कंपनी का ट्रैक रहा किसी का, जतिन ट्रांसपोर्ट। ये हालत है देखो, किसी को भी सब्र नहीं है भाई, उसमें घुसेड़ रहा है, उसमें घुसेड़ रहा है ट्रक वाला, उसमें घुसेड़ रहा है, और पीछे हमारे बस वाले भाई साहब हैं बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं। ये हालत है देखो, अब ये हाथ दे रहा है भाई, मैं रुक जाऊँगा भाई, मैं तो रुका ही हूँ, मेरे को मेरी तो गाड़ी है भाई, तेरा तो ऑटो है, मेरी गाड़ी में नगर लगेगी तो मेरा नुकसान ज़्यादा होगा, तेरा क्या है, मालिक की गाड़ी है, चिपका चुका भग जाएगा। ये हालत है भाई पूरे 30,000 की, देखो ये हालत है, कोई कुछ नहीं ले रहा, कोई एक्शन ले रहा, अगर लेने जो जजेस के पास पावर है, जजेस रोड को खाली करा सकते हैं। की तरफ ही पार्किंग लाएंगे, ये सारी पार्किंग है ऊपर, ऊपर सारी पार्किंग है मुरी गेट की, ये देखो ना पार्किंग है सारी है। यहाँ पे पहले खाली था लेकिन ट्रक वर्क वाला लग गया यहाँ पर पूरे में, लेकिन ये कि एक बार में काफ़ी आगे आ गया भाई, थोड़ी दूर बहुत दूर आ गया मैं, मतलब एक बार में ही, ये तो 3-4 बार लगते हैं यहाँ आने में, 3-4 लेट आराम से ख़राब होती है भाई। पहुँच गए अभी 30,000 कोर्ट, लेकिन मोरी कोर्ट की पार्किंग अभी पर खड़े हैं हम लोग अभी, और बस ये थोड़ा ड्राई है तो शक्कर नोट खड़ भी चलेगी। अंकल जी से हॉर्न मार रहे हैं, कह रहा क्या कर रहा भाई, गलती से हो गई थी ढलाई थोड़ी, अब यार बस इतनी हो रही है यहाँ पर क्या करें, और फिर मैं कैमरे की शूटिंग कर रहा हूँ तो चक्कर थोड़ा दिमाग से निकल गई मेरे। फिर मोर गेट की पार्किंग है, मेरी गाड़ी ये खड़ी है आ रही पीछे, ये खड़ी करे वाली, इसमें एंटेना खड़ा हो गया, ला रहे पीछे भी ये ला रहे, ये पार्किंग है सारी, ये हालत हो रही है पीछे, ये हो रही है यहाँ पर राहत ये हो रही है, पूरा जाम लग गया जगह जगह से। अरे अभी मैं था ना, अभी गोल चक्कर खाली था पूरा, अरे पूरा खाली ऊपर आ गया पूरा गोल चक्कर, ये खड़ी पीछे खड़ी पीछे मेरे, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। चल रहे हैं यहाँ से, मैं निकल रहे थे, ऑटो वाला ऑटो वाले सब उल्टे पुलटे आ रहे हैं, सब उल्टे पुलटे आते हैं यहाँ पर भाई। लिए थे अभी हम ITO पहुँच चुके हैं, ITO पहुँच रहे हैं, ITO फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं हम लोग, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये मुड़ रहे हैं लेफ्ट इधर, ITO आ जाएगा जाकर, और हम अब घर ही निकलेंगे। मेट्रो आज हमारा जो था वो हुआ ही नहीं, मतलब आज उनसे बात हुई मेरे ऐसे हिसाब से, कह रहे सर अभी तो मैंने मैटर लगाया नहीं, मैंने कहा सर आप तो मेरे को फोन करके कल, कह रहे सर मैटर कल लग जाएगा, कह रहा सॉरी सर मेरे एक्सीडेंट हो गया था चक्कर में आया नहीं, अरे मैंने कहा सर आपने तो फंसवा दिया ना, लेकिन मेरे को मैंने कहा मेरा तो टाइम लग गया यहाँ पे आने में, कह रहा सॉरी सर अब कर लिया परसों में देखता हूँ मैं आपको फोन कर दूँगा एक बार उसके बाद आप आना, मैं कहा ठीक है भाई। तो वो वाली बात ही, फिर मैं निकल गया यहाँ से, मैंने कहा सर आपने मेरा पूरा दिन खराब करा दिया ऐसे सर, कह रहा सर सॉरी, फिर नायब कोर्ट से बात करी, मैंने कहा नायब सर, कह रहा सर कल आपको मैं अगर होगा तो पोस्ट प्रॉब्लम में आपको फोन कर दूँगा, कह रहा है आने से मैटर आने के बाद पहले कर दूँगा, मैंने कहा भाई साहब कम से कम 2 घंटे पहले करना, मेरे को घर से आने में टाइम लगता है कि मैं साकेत रहता हूँ या हाईकोर्ट रहता हूँ, और आप मेरे को आधे घंटे पहले फोन करो तो कैसे पहुँचूंगा वहाँ से, और रास्ते में जाम मिल गया तो फिर, कह रहे सर कोई नहीं आप मेरा नंबर ले जाओ आप फोन कर लेना, मैं कहा ठीक है जी मैं ही फोन कर लूँगा भाई, मैं ही दूँगा अपनी ड्यूटी, मैंने कहा आप तो नहीं होगे नहीं, कह रहे नहीं सर ऐसी बात करें कर तो रहे फोन, मैंने कहा आधे घंटे पहले फोन करो ना, कह रहा सर काम भी तो होता है, मैंने काम तो सर सभी को है जीवन में, किसको काम नहीं है, कौन फ्री है आजकल, तो कह रहे चलो ठीक है सर अब मैं आपको फोन कर लूँगा, आप मेरे को फोन कर लेना कल, आप फोन कर लेना, ये तो फिर ऐसे ऐसे बात हुई, तो ऐसा कह रहा सर आपको खुद मैंने पहले मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी मैं आपको आज या आज शाम को या कल सुबह अपडेट कर दूंगा, उसके बाद आप आ जाना, मैं कहा ठीक है भाई। तो ये बात हुई, फिर हम वहाँ से निकल लिया, ITO आ गए हम, DD की बिल्डिंग ये थी पीछे हमारे, गाड़ियाँ भगा रहे हैं लोग पागलों की तरह भगाते हैं लोग, अब मैं जाता हूँ धीरे, हम यहाँ से मुड़ेंगे ITO, हमें समय नहीं मिला शूटिंग करने का, उसके बाद हम और गाँव में लग गए, और तीसरे आया था ना तो बीच से बारिश होगी तो मेरा इतना ज़्यादा हेडेक होता सर, मैं थोड़ी देर पहले आराम करा 1.5 घंटा, उसके बाद मैंने एक नोटिस बनाया, एक लीजिए बनाई, उसके बाद करते करते बच गए रात को 8, फिर 8 बजे हम लोग मूवी देखने लग गए, पापा जी और मैं मम्मी तीनों मूवी देखने लग गए, अशोका मूवी देख रहे थे हम लोग, और उसके बाद फिर हम सो गए रात को भाई, और फिर भी हम करते करते मूवी 8 बजे से लेकर 12:30 तक हम लोग मूवी देख रहे थे। ठीक है जी बस, और ये हुआ वीडियो अभी एडिट हो रही है, मैं डालूंगा वीडियो भी, ठीक है ना, तो ये हुआ
बस चल रहा है भाई काम, आप धीरे करके करते हैं ठीक है जी। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और भाई लाइक डिसलाइक जो भी है वीडियो में जो भी आपको लग रहा है वो करो, और कमेंट जरूर करके जाओ भाई, कमेंट बिना मज़ा नहीं आता, कमेंट आप करोगे तो मज़ा आएगा, कमेंट से मैं बता लगा मैं क्या गलती सुधार रहा ठीक है भाई। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आज़ाद रहो और मज़े करो जीवन में, जिंदगी में भाई टेंशन हर किसी को रहती है लेकिन मज़े करते रहो जीवन में बस, और कुछ नहीं चाहिए।